ओम शांति। आज की मुरली 22/7/2020। प्रथम मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। पर्सन जो अपने आप को बेहद का पाटदारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वा स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममता नहीं रखना है। कुसुम से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा पॉइंट है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है आज का, सदा भेद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। दे अभिमान हद की स्थिति है और दे ही अभिमानी बनना, यह है भेद की स्थिति। देह में आने से नेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो भेद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी, वृत्तियां, माया के वार, इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इनको ही कहा जाता है जीवन मुक्ति स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। आज का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत उनके पास व्यर्थ आ ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे बच्चे, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, फिर से ओम शांति।